हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक एसे सेंटर में स्वागत है। तो आज हम एक बार इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर 9 है उसका पार्ट 5 है। अगर आप लोगों ने इससे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो आप फाइनली जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर आप विजिट कीजिए और आप हर एक चैप्टर को सीक्वेंस वाइज आप देखें। क्यों? क्योंकि ताकि आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर, और इसके बाद अगर आप लोग बुक रीड आउट करते हो तो वहाँ पर इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो फाइनली जो आज हमारी जो बात करेंगे वो ग्रामीण विकास का लास्ट पार्ट है, और इसके बाद ये चैप्टर क्या होता है पूरी तरह से फिनिश हुआ था। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है, कोई टॉपिक्स है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग वहाँ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, देन आपकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी उस कमेंट पर आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो जस्ट इसमें हम देखते पहले कि हमें जैविक कृषि क्या होती है, फिर जैविक कृषि के लाभ क्या होते हैं और जैविक कृषि की हानि, और यहाँ से जो टॉपिक आपका कई बार एग्जाम में आया हो, चार चार नंबर के, छः छः नंबर के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पुटअप किए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से सुना, ध्यान से टॉपिक क्या, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट करिए। तो पहला हमें जो डेफिनेशन को देखना होगा, जैविक कृषि का मतलब क्या होता है, मतलब कह सकते हैं जैविक कृषि का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई किसान, ठीक है, वो कृषि कर रहा है विदाउट किसी केमिकल फर्टिलाइजेशन का मतलब बिना किसी रासायनिक खाद के अगर कृषि करता है तो उसे हम कहेंगे जैविक कृषि, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, आप लोग देखो इसको। ठीक है, जैविक कृषि वह कृषि होती है जिसमें जैविक आगतों का प्रयोग तथा रासायनिक आगतों का त्याग किया जाता है। सिंपल सा मतलब कहते हैं जैविक आगते का मतलब कहता है फैक्टर्स, जैसे कि आपने देखा जो पशु वगैरह से जो खाद बनाई जाती है, वो छिलके वगैरह जो साग सब्जियों के जो छिलके होते हैं उससे जो खाद बनाई जाती है, तो कृषि में अगर उस खाद का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम क्या जैविक कृषि कहेंगे। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि रासायनिक आगते का मतलब क्या होगा, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया आपका, ठीक है, यूरिया वगैरह हो गया, या फिर और कोई केमिकल खाद वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम जैविक कृषि नहीं कहेंगे। तो जैविक कृषि सीधा सा हमें ये बताते हैं कि जैविक आगतों का प्रयोग करना और रासायनिक आगतों का त्याग करना जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं जैविक कृषि। आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी, तो आई होप कि नया टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जैविक कृषि के लाभ और जैविक कृषि की हानि, मतलब कि अगर हम जैविक कृषि करते हैं, मतलब कि अगर हम जो प्राकृतिक चीज़ें जो नेचुरल जो खाद होती है उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और हमें क्या क्या उससे नुकसान होता है। क्योंकि तो आप लोगों को पता है कि कभी भी किसी चीज़ से हमें एक चीज़ नहीं प्राप्त होती, आपको पता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, या तो हेड होगा या तो टैल होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ हमेशा टैल होगा, नहीं। तो सेम एज इट इज़ क्या होता है कि जो जैविक कृषि है उससे हमें कुछ फायदे भी होते हैं और प्लस में कुछ नुकसान है। तो फर्स्टली हम देखेंगे उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले जो बेनिफिट्स है, कह रहे हैं गैर नवीकरणीय साधनों का त्याग करना। ये गैर नवीकरणीय साधनों का त्याग करने का मतलब क्या है, देखो जैविक जो कृषि होती है, ठीक है, गैर नवीकरणीय साधनों का त्याग करने का मतलब क्या है कि जो हमारी हमारी भूमि के लिए, ठीक है, नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह, ये सारे क्या होता है हमारे ये गैर नवीकरणीय साधन, मतलब कि जो जैविक कृषि होती है ना, मतलब कोई भी चीज़ जो केमिकल से क्या कनेक्टेड हो तो जैविक कृषि उसको अलाव नहीं करती है अपने यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं नहीं कहता है कि हम कह सकते हैं कि जो जैविक कृषि का मतलब क्या है कि जो गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका त्याग करती है, मतलब जो रिसेंटली क्या कि खत्म होने के कगार में है, ठीक है, तो उनको यूज नहीं करती है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक भोजन, ठीक है, कि स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक भोजन करता है। सिंपली सी बात करो कि अगर मान लेते हैं कि किसान, मतलब कोई किसान हो, खेती करता कौन से जैविक कृषि, ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है कि जैविक कृषि में खेती करने के परिणाम स्वरूप वो किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करता, तो हमें जो भी वहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी हमें वहाँ से उत्पाद मिलेगा वो बिल्कुल हमारा क्या प्योर होगा, प्योर इन द सेंस कि उसमें बिल्कुल बहुत सारे मतलब न्यूट्रिशंस वगैरह होंगे, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक होगा, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, हमारे लिए पौष्टिक आहार के तौर पर होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो जैविक कृषि से किया जाती है उससे हमें स्वास्थ्यवर्धक तथा पौष्टिक आहार मिलता है, मतलब कि बिल्कुल शुद्ध कह सकते हैं जो आहार होता है वो हमें मिलता है कहाँ से, जैविक कृषि। और इसके अगर कंपैरिजन में बात करूँ कि अगर रासायनिक कृषि की बात करें, जो आज के समय जो हम कंज्यूम करते हैं जितने भी साग सब्जियाँ फल फ्रूट वगैरह, ये ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें होती है ये कहने की केमिकल से कनेक्टेड होती है, केमिकल इसमें कहने का मिक्सअप होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या, पर्यावरण मित्र। अब देखिए जैविक कृषि का होता है पर्यावरण मित्र होता है, क्यों पर्यावरण मित्र यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना है पर्यावरण का मतलब, मित्र का मतलब क्या होता है कि जैविक कृषि अगर की जाती है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जैविक कृषि का सीधे से मतलब होता है रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करना,
सिंपल सर। तो कहीं ना कहीं अगर जैविक कृषि करते हैं उसमें जो नेचुरल खाद होती है उनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती। इसलिए क्या है पर्यावरण को रासायनिक मतलब पर्यावरण को क्या होता है मतलब जो जैविक कृषि उसको पर्यावरण का मित्र कहा गया। और अगर हम बात करें इसके कंपेरिजन में कि जो रासायनिक जो कृषि की यानी आज कहने की पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट करती है पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे केमिकल का यूज किया था यूरिया वगैरह हो गया ठीक है या फिर कुछ कीटनाशक दवाएं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जमीन होती है जो हमारी कृषि भूमि होती है उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो पूरी तरह से क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है ठीक है। तो लास्ट जो पॉइंट है छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी। अब ये क्या देखो जैविक कृषि का तो ये थोड़ा सा इजी होता है किसके लिए क्यों क्योंकि इसमें आपको कोई हैवी मतलब ज्यादा पैसे के अमाउंट में कोई खाद वगैरह खरीदने क्यों क्योंकि आप इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप नेचुरल खाद ही बना सकते हो। जो छिलके वगैरह हो गए पशुओं के जो गोबर वगैरह होते हैं उनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम जैविक मतलब जो जैविक खाद होती है उसका उसको बना सकते हो और फिर इसका हम क्या कर सकते हैं कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो जैविक कृषि होती है वो किसानों के लिए काफ़ी सुटेबल होती है काफ़ी उनके लिए मतलब कम कॉस्टली होती है। अब हम इसकी हानि को बात करेंगे ठीक। और अगर हम बात करें जो रासायनिक कृषि होती है वो कहने की किसानों के लिए क्यों क्योंकि इसमें बहुत महंगी महंगी खादें इस्तेमाल होती है ठीक है और जो कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह वो चीज़ इस्तेमाल होती है जिसके किसानों को रासायनिक कृषि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है हानि। हानि का मतलब कहता है कि जो अगर जैविक कृषि करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लॉसेज होते हैं। तो लॉसेज का पहला तो सबसे पहला समय की अधिक खपत। सिंपल सी बात है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप जैविक कृषि करते हो तो जैविक कृषि करने से क्या होगा कि आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए क्यों क्योंकि वो बिल्कुल उसमें एक नेचुरली तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आप रासायनिक कृषि करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका समय कम लगता है मतलब कि जैविक कृषि में अगर बात करें मतलब एक साल ठीक है या फिर एक साल दो महीने ऐसा लेकिन जैविक कृषि 8 से 9 महीने के अंदर आपकी जो फसल बन के रेडी हो जाती है। नेक्स्ट इसकी क्या है हानि अधिक श्रमशील का मतलब होता है कि जो जैविक कृषि होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है क्यों क्योंकि उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई खाद पानी मतलब खाद को रासायनिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सारी की चीज़ें आपको नेचुरली करना पड़ता है। तो इसलिए क्या नहीं कर सकते जो जैविक कृषि होती है वो श्रमशील होती है अधिक क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और नेक्स्ट है सीमित फसलों का चयन। अब ये पॉइंट आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीमित फसलों का चयन क्योंकि आज के समय अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग 80% जो लोग हैं 80% ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्या कर रहे हैं रासायनिक कृषि को कहने की फॉलो करते हैं क्यों क्योंकि रासायनिक कृषि थोड़ा सा उसको बैड है मुश्किल क्या मतलब डी इफेक्ट भी है लेकिन उनके हिसाब से क्या कि ज़्यादा सुटेबल उनका टाइम बच जा रहा है ठीक है प्लस उनका मेहनत बच जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी उसे देते। तो अगर कोई भी जैविक कृषि आज के समय में कर रहा है तो उसके पास क्या होता है कि जो फसल होती है उसका मल्टीपल ऑप्शन होता है मतलब उसको चूज करना पड़ता है कि कौन कौन सी फसलों का ही हम जैविक कृषि करें क्यों क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब समय वगैरह ज़्यादा लगेगा श्रम पर आधारित होती है और भी बाकी चीज़ों की इसमें ज़्यादा लगती है। तो फाइनली क्या है कि हमारा जो चैप्टर आज पूरी तरह से क्या फिनिश हो रहा है। तो आप लोगों से आप पसंद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।